हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रतिफल श्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा दिन में स्वागत करता हूँ। एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 तारीख को आपका यूपी टेट का एग्जाम होने वाला था, जो कि आपका कैंसिल हो चुका है, राइट। तो इसी में अभी सरकार है आपकी दबाव में, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। तो इसी में योगी सरकार बैकफुट पे है और जो विपक्ष की पार्टी है काफी इस पे दबाव बना रही है। तो योगी सरकार का एक बड़ा बयान आया है, इसमें चाहे आप कह सकते हो कि योगी सरकार ने जरूर उस समय आपका बस की सुविधा फ्री कर दी हो और जिन्होंने पेपर आउट करवाया है उन सब पे एक एक्शन लेने का बात बोली हो, लेकिन बात यह है कि जो बच्चे मेहनत करके अपनी आंखों को लाल कर करके रात भर पढ़ाई करते हैं और पेपर देने जाते हैं और इतनी दूर डिस्टेंस फॉलो करके अपने सेंटर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा भी सरकार की एक आप कह सकते हो नाकामी ही रहती है कि ये आप एक ढंग का पेपर भी नहीं करवा पाते हो। और अगर आप कुछ भी कर लो कि आप ये कर लोगे, एक महीने में ये करवा दो वो करवा दोगे, लेकिन बात यह है कि आप किसी के घर पे कुछ भी चढ़वाओ कोई मतलब नहीं है। बात है जो टाइम स्टूडेंट का जाता है, एक एक दिन एक एक सेकंड वो कैसे घर पे काटते हैं वो आप नहीं समझ सकते हो। वो स्टूडेंट के ऊपर ही बीतती है कि वो अपने घर में भी एक मेहमान बन के रह जाता है जब उसके पास कुछ बोलने को ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप उससे 2 महीने बाद पूछो, 3 महीने बाद पूछो, 1 साल बाद पूछो, 2 साल बाद, तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे योगी सरकार की आप कह सकते हो एक बड़ा बयान निकल के आया कि आपकी आचार संहिता से पहले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया आपकी पूरी होनी है। ओके, तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। अभी आपको सुनवा भी देते हैं कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या बोला है। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, और इसी के संग सभी लोग शेयर कर दें इस वीडियो को जिसे भी आपके सुपर टेट देना हो। और साथ में चैनल पे आपको जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उन्हें जाके देख लीजिए, काफी अच्छे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपका पॉइंट टू पॉइंट चीजें वहां पे बताई गई हैं। ओके, तो और जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा वैलिड ही न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है। ओके, तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या बोला है योगी सरकार के मंत्री ने। कौशल जी, मैं आ रहा हूं तिवारी आपके पास। अभिषेक, एक बात कहें, थोड़ा अरे रुक जा भाई, रुक जा, आ रहे हैं। थोड़ा दिल को मजबूत करके अभियान चलाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सारे राजनेता, उसको मनोज यादव से भी, हिलाल नकवी से भी, और हाथी वालों से भी, वो भी सुन रहे होंगे कहीं। उत्तर प्रदेश में जितने ये डिग्री बांटने वाले स्कूल हैं, बीएडटी और डीएलडी, बीएलडी, जो दुनिया के जो तमाम तरीके, बीटीसी हो, क्या क्या, इन सब में मालिक मुख्तार नाम को हो सकता है किसी अमिताभ अग्निहोत्री को बना दिया हो, लेकिन पीछे कोई खद्दर वाला है, आप समझ गए ना। उन्हीं के बीएड कॉलेज, उन्हीं के बीटीसी, उन्हीं के सब, ठीक। मौसा जिला पंचायत अध्यक्ष, चाचा विधायक और फूफा सांसद, सब पार्टियों का यही हाल है। इसलिए देख लीजिएगा, ऐसा ना हो सारी पार्टियां खाली हो जाएं, ज्यादा कार्रवाई हो जाए, तो ये भी हो सकता है। अमिताभ जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। बिहार में राम लखन यादव थे जिन्हें नरसिंह राव की सरकार बचाई थी, वो अंतर वो राष्ट्रीय शिक्षा माफिया कहे जाते थे, उनसे बड़ा कोई नहीं था, उनको प्रधानमंत्री ने पटका पहनाया, तो हमको मालूम है। खैर, अभिषेक तिवारी, कल जो हादसा हुआ 20 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ, उनके सपनों पर जो तुषारापात हुआ, उसके बाद आपने सरकार की घोषणा सुनी होगी कि 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराएंगे। क्या आपको लगता है, दो बातें, दो सवाल है मेरे बेटा, एक, क्या आपको लगता है कि दोबारा परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और समयबद्ध होगी, एक, और क्या आपको लगता है कि अब उतना समय बचा है चुनाव की आचार संहिता और इसके बीच में कि नई भर्ती की अधिसूचना जारी हो पाए। अभिषेक तिवारी सर, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपना परिचय छोटा सा दूंगा। मैं अभिषेक तिवारी, बीटीसी डीएलए 18 बैच का छात्र हूँ। मैं 2 बार टेट सीटेट पास कर चुका हूँ। बस यही कहना चाहेंगे, जो सरकार की मंशा थी कि भर्ती ना देना, उसमें सरकार कामयाब हो रही है। क्योंकि सर आपको ये पता है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपरों का लीक हुआ है, कितनी जल्दी एक्शन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग लगातार लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक धरना प्रदर्शन दिए भर्ती के लिए, और लास्ट मोमेंट बचा था कि टेट के बाद भर्ती हम लोग आने की उम्मीद बनी थी,
उस उम्मीद में सर 20 लाख का शिक्षकों का धोखा हुआ है। हमारे जितने भाई बहन है बहुत परेशान है और ये सरकार भर्ती नहीं लेना चाहती। इसलिए देखिए सर, जैसे पेपर लीक हुआ 10 मिनट बाद पेपर को रद्द करना, इतनी तेज प्री प्लानिंग थी तभी ऐसा किया गया है। और फिर 1 महीने में पेपर कराएंगे टेस्ट से, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। और बेसिक में सर 60 से 70 हजार तक खाली है, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील हलफनामा लगाते हैं 51 हजार 1 हजार तक खाली है। और हर साल प्राइमरी में 10 से 15 हजार रिटायर होते हैं सर, 70 से 80 हजार तक खाली है। लेकिन बेसिक में हम लोग 2 साल से बेरोजगार है सर, और इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं सर। कितने साल तैयारी करेंगे? सरकार से यही पूछना चाहते हैं, अगर आपको भर्ती नहीं देना है तो ये चुनावी मुद्दे पे पेपर में रोज निकालते हैं 50 हजार 60 हजार भर्ती देंगे और बच्चों के साथ खिलवाड़ भविष्य में किया जा रहा है। इसके लिए सर यही निवेदन करना चाहते हैं, आपको अगर भर्ती नहीं देना क्लियर करिए चीजों को। कौशल कांत जी, आपने अभ्यर्थी को सुना, इस नौजवान को? जी जी, इनकी कुछ आशंकाएं हैं, बड़ी आशंकाएं हैं, और ये केवल इसी की आशंका नहीं, ये एक बड़े वर्ग की आशंका है। मुझे लगता है दृढ़ता के साथ इस आशंका का, इस आशंका पर भाजपा का और सरकार का रुख सामने आना चाहिए। अमिताभ जी, ये देश प्रदेश की जनता की आवाज है, मेरे भाई मेरे स्टूडेंट की आवाज है। और मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ बोलने की बजाय हम करके दिखाएंगे और करके ही जवाब देंगे। वही सबसे अच्छा जवाब होगा कि इनको जो भी क्वालिफाइड होंगे, जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको जॉब मिलेगा, और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। इसके अलावा इस जनता का कोई और जवाब नहीं हो सकता, और ना ही मैं यहाँ बैठकर देना चाहूंगा। नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि चुनाव तक फिर समय नहीं है ना भर्ती का। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कोशिश ये होगी सरकार की कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, चाहे पूरे प्रशासन को डबल काम करना पड़े, चाहे कर्मचारियों को बढ़ाना पड़े, कोशिश की जाएगी कि ये इसी आचार संहिता लगने के पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए। अभिषेक तिवारी, आपने सत्ता पक्ष को सुना, क्या कहेंगे? जी लेकिन सर यही कहेंगे, बीजेपी सरकार देखिए बच्चों का खिलवाड़ कर रही है सर, अगर इनको भर्ती देना है, अगर ये हम लगातार सर हम लोग हजारों ज्ञापन दिए, हर कार्यालय को जो यही कहा जाता है कि भर्ती निकाली जाएगी, हम कहने जब आपको अगर भर्ती देना है तो दीजिए ना, तो इनको ये कहना है कि भर्ती खाली नहीं है। और इन्हीं के सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में आलमनामा लगाते हैं और पद खाली है सर, 10 से 12 लाख प्रशिक्षण तो टिकट 5 है, तो उसके आधार पर नई भर्ती देनी चाहिए ना। टेस्ट कराने क्या मतलब है? बच्चों के साथ 1000 से फॉर्म भराया जा रहा है, फिर कितनी बार टेस्ट देंगे सर? टेस्ट के साथ रोजगार भी देना चाहिए। अगर आप भर्ती नहीं दे रहे हैं तो डीएलएड डीएड मतलब बीटीसी और डीएलएड डीएड के कोर्स बंद कर दीजिए ना सर। हर साल 1 लाख 1.5 लाख लोग पैसा देके कोर्स करते हैं सर, कितने दिन सर हम लोग ऐसे दर दर भटके भटकते रहेंगे बीजेपी सरकार में? ठीक बात। एक नई बात जो इस मंच पर पहली बार अभिषेक कह रहे हैं, मैंने उस शायद हिलाल भाई इस बात से उनको स्मरण हो किसी पुरानी बहस में मेरी, मैंने इस बात को कई बार इस तरह की बहसों में उठाया मनोज यादव, कि उत्तर प्रदेश में ये बीएड बीटीसी और वो जो भी है इस तरह का प्रशिक्षण टीचर वाला, उनके स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया 3 साल के लिए रोक देनी चाहिए एक कार्यकारी आदेश जारी करके तत्काल प्रभाव से। जब स्टेशन पर इतनी भीड़ हो गई, अंदर के संभल नहीं रही, तो बाहर से ट्रैफिक तो रोको, जो अंदर पहुंच गए वो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे, और इधर से और आने दो आने दो आने दो पैसा आने दो, क्योंकि वो सीता को माई को वो रावण की गैल स्कूल तो चला रहे मनोज यादव जी, हिलाल लखवी जी, कौशल कांत जी, मतलब राजनेता, करोड़ों रुपए साल का चंदा माल आ रहा है। मैं समाजवादी पार्टी की धारणा पूछना चाहता हूं, क्या 3 वर्ष के लिए ऐसे प्रशिक्षण विद्यालयों को बंद नहीं कर देना चाहिए, स्थगित? पहले जो पहले के बच्चे पास आउट हैं वो ओवर एज हो जाए उससे पहले उनके लिए रास्ता खोले, उसके बाद फिर नई भर्ती नया प्रशिक्षण हो। मनोज यादव,
देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने सुझाव दिया है, जो अपना वक्तव्य बार बार रखा है, वो बिल्कुल गौर करने लायक है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिक्षा को लेके बहुत संजीदा है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी 2022 के बाद कि हम शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकते हैं। इसको मेरा राजनीतिक बयान या कैरेट लटकाने वाली बात ना समझे जाए। जैसा अभिषेक ने कहा, अभिषेक जी की बात इस बात से पुष्टि होती है, 69,000 शिक्षक भर्ती होती है। अमिताभ जी आपने बहुत आवाज उठाई होगी, कितनी हम ट्विटर पे आपको लगातार पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, रिट्वीट करते हैं। आप ये बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। और ऐतिहासिक कहा कि ऐतिहासिक काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। फिर क्या हुआ जब उसने लिख के दिया कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ? योगी आदित्यनाथ की सरकार आंख बंद कान बंद मुंह बंद, गांधी जी के तीनों बंदर का रोल अदा कर दिया, कुछ नहीं बोले, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। चलो वो भी तक ठीक था, एक नया करिश्मा आपको देखने को मिला। अगर उत्तर प्रदेश में आप भ्रष्टाचार कर लो, कोई गलत काम कर लो जी, तो आप इस्तीफा दे दो, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। याद होगा आपको द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके भाई को गरीब कोटे से नौकरी दे दी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्या होता है? सिर्फ इस्तीफा, ना मंत्री का, ना उस विश्वविद्यालय के कुलपति का, किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा दे दो बस। इस सरकार को जितने भी सवाल अभिषेक तिवारी उठा रहे हैं वो गलत नहीं उठा रहे हैं। ठीक।